वेलकम टू रेड ऑन वेब टीवी। आज भाई हम अनबॉक्सिंग के लिए लेकर आए हैं परफेक्ट कंपनी का स्टूडियो 8, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। ये जो है वो 12 स्पीकर हैं इसके, और सेकंड इसके अंदर 2 स्पीकर हैं, और ये इसका सबवूफर है। अच्छा, सबवूफर इसमें तकरीबन 6.5 इंच का कंपनी ने यूज़ किया है, और 45 वॉट्स RMS का सबवूफर है। और सेकंड इसके अंदर जो स्पीकर यूज़ किए गए हैं वो 3 इंच के हैं और 15 वॉट्स के हैं। तो होम थिएटर की सीरीज में है, फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर्स होते हैं, ये इसकी बेस होती है जो हम लगाकर भी आपको दिखाएंगे, और इसका साउंड डेमो भी आपको देंगे, बाकी प्रोडक्ट का रिव्यू भी हम आपको देंगे। इसकी पहले हम अनबॉक्सिंग तकरीबन 2-3 साल पहले हम कर चुके हैं, लेकिन अभी ये सेट तकरीबन 3 साल के बाद दोबारा आया है, तो हमने क्वालिटी वगैरह भी इसकी देखेंगे, दोबारा आपको मुतारिफ करवा दें। पूरे पाकिस्तान में मिल सकता है, प्राइस भी इसका नया है, प्राइस मैं वीडियो के आखिर में आपको दे दूंगा। इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट का साउंड डेमो देखते हैं कि आया क्वालिटी जो रेट है उसके हिसाब से मुनासिब है या नहीं है। ठीक है जी, सबसे पहले हम सबवूफर निकाल लेंगे बाहर। एक अदद रिमोट निकलता है जो कि फुली फंक्शंस है, फुली फीचर्स के साथ है। इसके अंदर बेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेबल कंट्रोल कर सकते हैं, नेक्स्ट रेट, प्रीवियस रेट, यानी कि फुली फंक्शनल रिमोट है स्टैंडर्ड। ओके जी, इसके अंदर से 2 अदद प्लेट्स निकलती हैं, जो कि प्लेट्स जो है वो ये बेस है बेसिकली, जो कि हमारे फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर्स हैं उनकी ये बेस है। 2 अदद इसमें से बेस निकलती है, ऊपर से इन्होंने ग्लॉसी दिया हुआ है, और नीचे जो है ये प्लास्टिक का वो सील किया हुआ है, प्लास्टिक का आजकल बन रहा है। ओके जी, सबवूफर आ गया है, और सबवूफर की मैं आपको फिनिशिंग थोड़ी सी दिखा देता हूँ। फ्रंट से आप देख सकते हैं ग्लॉसी शेप है पूरा फ्रंट से, और 6.5 इंचीज का सबवूफर है, और यहाँ पे इसके मेटल की ग्रिल लगी हुई है, और यहाँ पर इन्होंने बटन्स इसके दिए हुए कंट्रोल के सारे, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, प्ले पॉज और मूव। और अगर हम इसकी बॉडी की बात करेंगे तो MDF है, लेकिन MDF बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, और वजह यही है कि क्योंकि इसके अंदर जो सबवूफर लगा हुआ है 6.5 इंचीज का, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो उसकी वजह से इन्होंने जो गेज रखा है ये तकरीबन इन्होंने 10 mm का इन्होंने गेज रखा है, और काफ़ी है, 10 mm का गेज भी काफ़ी है लासानी का। पेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, बाकी गेज का इतना बड़ा मसला नहीं होता, पेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे आपका FM का एरियल आ गया है, एंड सेकंड इनपुट डिवाइस आ गई है आपकी, ये वाली इनपुट डिवाइस है, और नीचे वाली जो आउटपुट है, आउटपुट में आपके स्पीकर्स लगेंगे। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कुछ मॉडल वगैरह मेंशन कर दिया है। हाँ जी, अच्छा, वॉट्स इसमें मेंशन नहीं है कहीं पर भी। ये वॉट्स जो मैंने आपको बताए, ये हमारी एक अपनी कैलकुलेशन होती है जिसके मुताबिक हम वॉट्स आपको बताते हैं। डिज़ाइन अच्छा है और खूबसूरत है, एलिगेंस है, रखा हुआ भी स्टाइलिश लगता है। और ये आ गए जनाब सेटेलाइट हमारे, बहुत ही बड़े हैं, वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मुझे। ये देखें, मैं लिटा के दिखा सकता हूँ आपको। ये देखें जनाब, ये है इसका फुल व्यू, फुल व्यू आपको यहाँ से नज़र आ सकता है, ये देखें, ये है इसका फुल व्यू। और इसके अंदर इन्होंने फ्रंट पे जो है इन्होंने मेटल यूज़ किया है, और एक स्पीकर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंगल स्पीकर है इसके अंदर, और वो सिंगल स्पीकर जो है वो 3 इंच का है। और अगर हम टॉप पे इसके देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये क्रोम है, बिल्कुल स्टील का लग रहा है लेकिन क्रोम है, और बेसिकली प्लास्टिक है, ये शाइनिंग है। नीचे अगर हम देखेंगे तो पूरा ये ग्लॉसी है इसका, स्टाइलिश है, ये देखिए शाइन है, एक्स्ट्रा शाइन है बिल्कुल इसके अंदर। और बैक साइड से हम देखेंगे तो बैक साइड से भी पूरा शाइनिंग है, ये पूरा शाइनी है बैक साइड से, पूरी एक बॉडी है इसकी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो इसके जैक्स आ गए, ये प्रोफेशनल जैक्स होते हैं, यानी कि अगर आप वायर लंबा भी करना चाहते हैं तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी बेस लगेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक अदद स्क्रू है, ये यहाँ पे लगेगा, और इसके दरमियान में जो है वो हमारी ये प्लेट लगेगी। तो ये मैं लगा के अभी आपको दिखा देता हूँ, देखिए जी, ये मैं स्क्रू लगा रहा हूँ इसका, स्क्रू को आपने ध्यान से लगाना है, और हाथ से आपने चूड़ी चढ़ानी है इसकी, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल है, ऐसा ना हो कि आप इसको पेचकस से लगे रहें, शुरू हो जाए और टेढ़ी चूड़ी चढ़ जाए, तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगी बात। तो कोशिश करें कि आप पहले इसको हाथ से लगाएं। ओके, ये दोनों टावर हमारे खड़े हो गए हैं, इसके लिए आपको एक पेचकस की जरूरत पड़ेगी, माइनस वाले की या 4K की। ठीक है जी, अब हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, लगा लेंगे, बूफर रख देते हैं, और फिर आपको
साउंड डेमो देते हैं और साउंड का आपको रिव्यू देते हैं इसका। अच्छा जी, ये इसका तामशाम है जो कि मैंने आपको बताया था, और ये दोनों वायर्स तो हमारी इनमें काम आ जाएंगी स्पीकर्स के अंदर। ये वारंटी कार्ड आ गया, रिमोट आ गया, FM का वायर आ गया, RC2 ऑक्स आ गई, मैनुअल आ गया यूज़र, और ये हमारा सबवूफर आ गया। तो कनेक्ट कर लिए हमने, काफ़ी लंबे भाई कैमरे को बड़ा घुमाना पड़ रहा है इनके लिए तो। ठीक है जी, अब हम इसको लगा लेंगे और इसका साउंड डेमो आपको देंगे। ओके जी, साउंड डेमो हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर इसके साउंड की बात करेंगे तो साउंड इसका एवरेज है, बहुत ज़्यादा बेस नहीं दे रहा है लेकिन एवरेज बेस दे रहा है। अगर आपका रूम 12x15 का है तो काफ़ी है। प्राइस की मैं बात कर लेता हूँ, प्राइस इसका 24,500 रुपीज़ रिटेल प्राइस है, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। 2.1 फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर्स के साथ परफेक्ट कंपनी का स्टूडियो 8। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।